दिस इज डॉक्टर सचिन गोस्वामी एंड आई वेलकम यू ऑन आर यूट्यूब क्लासेस गोस्वामी क्लासेस। दोस्तों आज मैं नेथेनियल हॉथोर्न का एक फेमस नॉवल द स्कारलेट लेटर आपको पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो आपको टाइटल को ही समझना चाहिए, क्योंकि टाइटल आप समझ लेंगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि काफ़ी हमारे साथी ऐसे होंगे जिनको इसका टाइटल क्लियर नहीं हो रहा होगा कि सर द स्कारलेट लेटर का मतलब क्या है, क्या ये कोई पत्र है या फिर कुछ और चीज़ है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तो स्कारलेट का मतलब क्या होता है। स्कारलेट की बात करें तो स्कारलेट का मतलब होता है ब्राइट रेड कलर, एक चमकीला लाल कलर जो होता है वो स्कारलेट कहलाता है, और लेटर का मतलब अक्षर। तो ये जो दोस्तों द स्कारलेट लेटर है और ये एक लाल रंग से लिखा हुआ, ठीक है ना, लाल रंग से लिखा हुआ एक लेटर है। और ये लेटर कौन सा यहाँ पर इस नॉवल में दिखाया गया है, लेटर दिखाया गया है ए, और ए किस चीज का सिंबल है, ए सिंबल है एडल्ट्री का। तो ये याद रख लेना, ये क्वेश्चन आप में अपने आप में इंपॉर्टेंट है। दोस्तों स्टोरी के साथ साथ क्वेश्चंस बताता चलता हूं, हमेशा जब भी आप मेरी क्लास अटेंड करने बैठें तो अपने पास एक रजिस्टर और एक पेन जरूर रखें, ताकि आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन कर सकें। तो द स्कारलेट लेटर का जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा। इसके जो राइटर हैं वो कौन है, नेथेनियल हॉथोर्न जो हैं इसके राइटर हैं। दोस्तों ये जो नॉवल था ये पब्लिश हुआ था 1850 में पब्लिश हुआ था। और ये किस तरह का वर्क है कि जो राइटर हैं उन्होंने क्या देखा कि उनको एक मैन्यूस्क्रिप्ट मिली थी, और जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी इट वाज अराउंड 1642 और 1649 के दौरान एक कहानी घटित हुई थी, और कहानी का ये वास्तविकता घटित हुई थी। तो उसके लेख उनको मिला, तो उस पर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं कुछ ऐसा लिखूंगा इस पर जो ये पुरानी घटना है वो लोगों तक पहुंच सके, और उसका रिजल्ट बना दोस्तों द स्कारलेट लेटर। इतना क्लियर हुआ। तो ये कब पब्लिश हुआ, 1850 में ये पब्लिश हुआ था। और इसकी जो सेटिंग है दोस्तों ये प्यूरिटन क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो सेट है दोस्तों ये प्यूरिटन मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी में ये नॉवल जो है ये सेट है। और सेटिंग स्टोरी कब की है, 1642 से लेके 1649 तक की ये इसमें सेटिंग दिखाई गई है। अब ये जो स्टोरी है दोस्तों ये किसकी स्टोरी है, किसकी कहानी है, इसकी जो फीमेल प्रोटागोनिस्ट है, जो आप थंबनेल में भी देख रहे होंगे, तो इसकी जो फीमेल प्रोटागोनिस्ट है वो हेस्टर प्रिन है। कौन है इसकी प्रोटागोनिस्ट, हेस्टर प्रिन, और हेस्टर प्रिन से ही जुड़ी हुई ये पूरी कहानी है। हेस्टर प्रिन के ऊपर ही ये जो स्कारलेट लेटर है टाइटल ये दिया गया है। क्यों, क्योंकि हेस्टर प्रिन के एक डॉटर होती है, और डॉटर कैसे होती है, एक अफेयर से डॉटर होती है, और जबकि उसका पति भी था उसके बावजूद उसको एक डॉटर होती है। अब उस पर एडल्ट्री का आरोप लगाया गया, एडल्ट्री के आरोप के तहत उसको एक लेटर जो कि एक मतलब एक साइन के रूप में कह लो, सिंबॉलिक कह लो, जो एडल्ट्री का सिंबॉलिक है, लेटर ए का एक टोकन या फिर लॉकेट टाइप से आप कह लीजिए कुछ, वो उसको गले में पहनाया गया जो कि कपड़े का ही बना हुआ था, और वो उसको लटकाया गया और उसके सीने से उसको टच करता हुआ उसको लटकाया गया, ताकि लोगों को जब देखें तो लोगों को पता चले, और वो एक निंदा का विषय बने वो जो स्त्री है। तो ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है दोस्तों ये हेस्टर प्रिन के ऊपर ये कहानी आधारित है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेस्टर प्रिन जिसका अफेयर चलता है, और एज ए रिजल्ट उसके एक डॉटर भी होती है, डॉटर का नाम पर्ल होता है, और उसी के लिए उसको सजा दी जाती है, कठोर सजा का प्रावधान किया जाता है, और उसके साथ साथ समाज में उसकी इज्जत को उछाला जाता है, और उसको उसके गले में एक लेटर ए का जो साइन है वो लटका दिया जाता है एक तरह से। तो दोस्तों अब ये जो स्कारलेट लेटर है ये मैंने आपको बता दिया, एक नॉवल 1850 में पब्लिश हुआ, प्यूरिटन मैसाचुसेट्स में इसकी जो कहानी है वो सेट है, 1642 से 1649 तक ये कहानी है, और ये स्पेशली इसकी जो फीमेल प्रोटोगोनिस्ट है वो हेस्टर प्रिन है। इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके कैरेक्टर्स की। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है वो किसका देखने को मिलता है, वो हेस्टर प्रिन का हमें ये कैरेक्टर देखने को मिलता है।
अब हेस्टर प्रिन की बात करें तो दोस्तों ये जो हेस्टर प्रिन है ये कहानी की प्रोटैगोनिस्ट है, और ये ऐसी प्रोटैगोनिस्ट जिसके ऊपर टाइटल भी आधारित है, और ये स्कारलेट लेटर जो ए जिसमें लगा हुआ है, तो वो स्कारलेट लेटर जो कि ए की शेप में बना हुआ है, एक पैच ऑफ फैब्रिक है दोस्तों, कपड़े का बना हुआ है, तो वो उसके गले में लटका रखा है, ठीक है ना, वो उसके गले में लटका हुआ है। और वो किस चीज का प्रतीक है? वो अडल्ट्री का प्रतीक है, वो यानी कि जो अडल्ट्री होती है उसका प्रतीक यहां पर उसको माना गया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो लेटर ए हेस्टर प्रिन के गले में लटका हुआ है वो किसका प्रतीक होता है दोस्तों? वो एडल्ट्री का प्रतीक है। और यहां पर उस पर एक इतना जो ये गंभीर आरोप उस पर लगाया जाता है, और उसकी उसको सजा भी मिलती है। अब सजा क्या मिलती है, क्या उसके साथ किया जाता है, ये सभी मैं आपको बताऊंगा। और क्यों ये जो हेस्टर प्रिन है अपने लवर की आइडेंटिटी को रिवील नहीं करती, क्यों नहीं बताती दुनिया को कि मेरे साथ इस व्यक्ति ने ऐसा किया और उसकी ये डॉटर है, क्यों नहीं बताती? तो दोस्तों एक फेमिनिस्टिक अप्रोच भी हमें यहां पर राइटर की देखने को मिलती है कि किस प्रकार से उन्होंने एक फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू में ये चीज दर्शाई है, और इसके क्या क्या रीजंस हैं, जब आप कहानी समझेंगे तो आपको क्लियर पिक्चर बिल्कुल हो जाएगी। तो हेस्टर प्रिन का कैरेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। हेस्टर प्रिन दोस्तों कहानी की प्रोटैगोनिस्ट है, और इसके गले में ही वो फैब्रिक पैच है जो कि ए, जिसमें ए का साइन है, और ए किसको रेफर किया गया है? एडल्ट्री को रेफर यहां पर किया गया है ए। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कैरेक्टर जो आता है वो आता है पर्ल का कैरेक्टर। अब पर्ल कौन है? पर्ल एक मतलब जो कहानी में जो हेस्टर प्रिन है उसकी बेटी है। पर्ल किसकी बेटी है? हेस्टर प्रिन की ये बेटी है। अब ये जो पर्ल है दोस्तों, पर्ल हेस्टर प्रिन की, हेस्टर प्रिन के हस्बैंड से बेटी नहीं थी, बल्कि हेस्टर प्रिन की का जो प्रेमी था उससे ये उसकी बेटी होती है। और प्रेमी का नाम क्या था दोस्तों? प्रेमी का नाम था आर्थर डिम्सडेल। आर्थर डिम्सडेल जो कि एक पादरी था, एक रिलीजियस पर्सन था, उसके साथ इसके संबंध थे हेस्टर प्रिन के, और उनसे जो बेटी हुई उसका नाम था पर्ल। तो पर्ल का कैरेक्टर क्लियर हुआ आपको? तो पर्ल इज हेस्टर्स इलिजिटिमेट डॉटर। ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरह से ये लिखेंगे, और मैंने आपको बता दिया इसके फादर का नाम भी आपको बता दिया कि आर्थर डिम्सडेल की ये बेटी थी। अब दोस्तों नेक्स्ट कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है रोजर चिलिंगवर्थ। रोजर चिलिंगवर्थ का कैरेक्टर भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो चिलिंगवर्थ है ये एक जो नेम है दोस्तों ये रखा गया नाम है, मतलब इन्होंने चिलिंगवर्थ जो है अपना नाम रखा है। वास्तव में चिलिंगवर्थ नहीं है ये, चिलिंगवर्थ जो है ये जो हेस्टर प्रिन है उनका हस्बैंड है, उसका हस्बैंड है, और ये हेस्टर प्रिन से काफी बड़ा है, एज में भी काफी बड़ा है हेस्टर प्रिन से। और क्या होता है दोस्तों, ये खुद उसको तो अपनी पत्नी को तो कहाँ भेज देता है? अमेरिका में भेज देता है, और जबकि खुद कहाँ सेटल रहता है? यूरोप में। और इसी बीच में जो इसकी पत्नी है हेस्टर प्रिन, वो समझती कि वो अब जीवित नहीं है, और इसी बीच में हेस्टर प्रिन का अफेयर किसके साथ हो जाता है? हेस्टर प्रिन का अफेयर दोस्तों डिम्सडेल के साथ इनका अफेयर हो जाता है, और उसी का परिणाम होती है पर्ल। तो ये जो रोजर चिलिंगवर्थ है दोस्तों ये कौन है? ये हेस्टर प्रिन का हस्बैंड है, और जो कि कहानी में डिस्गाइज में है, यानी कि भेष बदलकर एक चिकित्सक के रूप में कहानी में दिखाया गया है, एक फिजिशियन के रूप में कहानी में दिखाया गया है, जो कि डिम्सडेल के पास भी जाएगा उसका इलाज करने के लिए। और इसने कुछ थोड़ा बहुत चिकित्सा में सीखा हुआ है, लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से ये इस चीज में परफेक्शन इसने हासिल की हुई है। और उसके पास जाने का इसका कुछ और रीजन था कि ये डिम्सडेल के पास क्यों जाएगा, वो जब कहानी आप समझेंगे तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट हम कैरेक्टर की तरफ मूव होते हैं। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर आता है दोस्तों रिवरेंड आर्थर डिम्सडेल। आर्थर डिम्सडेल का जो ये कैरेक्टर है इसके बारे में अब आपको पता चल ही गया होगा। आर्थर डिम्सडेल एक यंग मैन है, और
ये जो डिम्सडेल है ये एक तरह से एक रिलीजियस पर्सन है, प्यूरिटन धर्म में एक रिलीजियस पर्सन जो है आर्थर डिम्सडेल है, और जैसे चर्च में पादरी वगैरह होते थे ना उस तरह से हैं ये। और इनका संबंध किसके साथ हुआ? इनका संबंध बना कहानी की जो नायिका है हेस्टर प्रिन, हेस्टर प्रिन के साथ, और परिणाम स्वरूप एक बेटी हुई पर्ल। लेकिन इनका एक रिलीजियस रुतबा था समाज में, तो ये थोड़े से हमें इस तरह से दिखाई दिए कि समाज से डरने वाले, तो वो। लेकिन बाद में चीजें परिवर्तित होती हैं कहानी में, जब आप समझेंगे तो अच्छी तरह पूरी पिक्चर क्लियर होगी। तो ये जो डिम्सडेल है दोस्तों, इनका जो अफेयर रहा वो हेस्टर प्रिन के साथ रहा, इनकी डॉटर पर्ल रही, लेकिन इन्होंने उस चीज को छुपाया, और यहां तक कि हेस्टर प्रिन ने भी इनके नाम को कभी उजागर नहीं होने दिया। लेकिन बाद में कुछ परिस्थितियां बदली थी जब इनका नाम सामने आया था। क्या इन्होंने खुद ने अपना नाम बताया था, या फिर हेस्टर प्रिन ने बताया था, या फिर कोई और था, वो जानने के लिए इस वीडियो पर बने रहिए। पूरी लास्ट में जब मैं स्टोरी बताऊंगा तो स्टोरी में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस भी मिल सके। और साथ ही साथ अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी या एलटी ग्रेड इंग्लिश की क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, रिकॉर्डेड या लाइव क्लासेस, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। दोस्तों नोट्स के लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर 9756055255 पर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डिम्सडेल के कैरेक्टर के बाद दोस्तों नेक्स्ट कैरेक्टर आता है हमारा गवर्नर बेलिंगम। ये गवर्नर बेलिंगम का कैरेक्टर आता है दोस्तों। ये जो कैरेक्टर है गवर्नर बेलिंगम का, ये एक वहां का कंट्री जेंटलमैन इसको कह सकते हैं। और दोस्तों ये जो बेलिंगम, ये गवर्नर है, ये जो बेलिंगम, ये मिस्ट्रेस हिबिन्स का भाई है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मिस्ट्रेस हिबिन्स का भाई कौन है? तो गवर्नर बेलिंगम है जो मिस्ट्रेस हिबिन्स का भाई है, और ये भी एक पादरी है जो गवर्नर बेलिंगम है। तो इतना क्लियर हुआ, गवर्नर बेलिंगम एक पादरी है और ये किसका? मिस्ट्रेस हिबिन्स का ये भाई है। और मिस्ट्रेस हिबिन्स की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कहानी में, किसे विच कहा जाता है? तो मिस्ट्रेस हिबिन्स को विच कहा जाता है। अब मिस्ट्रेस हिबिन्स कौन? गवर्नर बेलिंगम की सिस्टर। तो नेक्स्ट कैरेक्टर उन्हीं का आता है, मिस्ट्रेस हिबिन्स। मिस्ट्रेस हिबिन्स की बात करें तो ये जो मिस्ट्रेस हिबिन्स है कौन है? ये गवर्नर बेलिंगम की सिस्टर है, एक लग्जूरियस लाइफ उनके पास ये जीती हैं, और इनको विच के रूप में जाना जाता है। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये रात में जंगल में जाती हैं और एक ब्लैक मैन के साथ राइड करती हैं, तो ये इनके बारे में कहा जाता है समाज में। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कैरेक्टर आता है जॉन विल्सन का। जॉन विल्सन की बात करें तो जॉन विल्सन एक क्लैर्गी मैन है, ये भी एक पादरी है जॉन विल्सन जो है, और ये एक प्यूरिटन क्रिश्चियन है, और पूरे स्टीरियोटाइप प्यूरिटन क्रिश्चियन है, जिसको कहते हैं ना एक हट्टी टाइप का क्रिश्चियन होना, तो उस तरह के हैं ये जो जॉन विल्सन है, और ये एल्डर क्लैर्गी मैन वहां के माने जाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों इसमें एक अननोन पर्सन, यानी कि जो कहानी को नैरेट कर रहा है वो नैरेटर ऑफ द स्टोरी भी इसमें मौजूद है। तो उम्मीद है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, कैरेक्टर्स में आपको कोई भी जरा सी भी परेशानी नहीं हुई होगी। तो अब दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी, द स्कारलेट लेटर। स्कारलेट लेटर जो है वो एक युवा स्त्री की कहानी है जिसका नाम हेस्टर प्रिन है, और हेस्टर प्रिन की निंदा जो समाज के द्वारा की जाती है और उसको किस प्रकार से समाज के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है उसको दर्शाती है ये कहानी, द स्कारलेट लेटर। दोस्तों जब हेस्टर प्रेग्नेंट होती है तो उस पर अडल्ट्री का आरोप लगाया जाता है। हेस्टर जब प्रेग्नेंट होती है तो उस पर किस चीज का आरोप लगाया जाता है? अडल्ट्री का। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के हिसाब से भी तैयार करते हुए चलना। और हेस्टर को अपने पति से अलग हुए 2 वर्ष बीत चुके हैं, याद रखना दोस्तों कितने वर्ष हो चुके थे, हेस्टर को अपने पति से अलग हुए 2 वर्ष बीत चुके थे।
तो जो लोग हैं समाज के, वो ये सोचते हैं कि ये जो बच्चा है, ये जो हेस्टर के पेट में बच्चा है, ये उसका नहीं हो सकता, उसके पति का नहीं हो सकता। और यही कारण था कि उसको एक सजा सुनाई गई। और ये सजा क्या थी? हेस्टर को कहा गया, हेस्टर को ये आदेश दिया गया कि वो एक स्कारलेट लेटर को अपने गले में लटकाएगी, और ये जो स्कारलेट लेटर होगा उसके कपड़ों के ऊपर रहेगा, और उसके सीने से टच करता हुआ ये स्कारलेट लेटर होगा, और जिसमें ए अंकित होगा। और ए का मतलब क्या दोस्तों? ए का मतलब अडल्ट्री से लिया गया। और ये क्यों होगा? क्योंकि जो समाज है, जो दुनिया है, उसको पता चल सके कि किस प्रकार से ये अडल्ट्री में इन्वॉल्व थी, तो इसलिए उसको स्कारलेट लेटर ए को पहनने की सजा दी गई। और जो दोस्तों, ये तो कारण मैंने आपको बता दिया, एक बैकग्राउंड बता दिया स्टोरी का। और जो स्टोरी की जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है? स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जब हेस्टर जेल से रिलीज होती है, जेल से छूटती है। तो जब वो जेल से निकल रही है तो उस समय लोगों का एक हुजूम है वहां पर, और वो जो लोगों की भीड़ है वो हेस्टर के इर्द गिर्द है, हेस्टर के चारों तरफ लोगों की भीड़ है, और हेस्टर को एक स्थान पर ले जाया जा रहा है। और हेस्टर को जिस स्थान पर ले जाया जाता है दोस्तों, उस स्थान का नाम है स्काफोल्ड। स्काफोल्ड, अब ये स्काफोल्ड क्या है? अगर जो क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज स्काफोल्ड इन द स्टोरी, स्काफोल्ड इज अ काइंड ऑफ स्टेज, ये एक स्टेज को कहा गया है स्काफोल्ड। उस स्टेज पर इसको ले जाया जा रहा है, और इसको क्या पहना रखा है? इसको ए लेटर पहनाया हुआ है, जो कि किसका सिंबल है? जो एडल्ट्री का सिंबल है। ए नाम का स्कारलेट लेटर है जिसको सभी लोग बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। और इसका कारण क्या है? इसको पहनाने का कारण है ताकि इसको बहुत ज्यादा जलील किया जा सके, इसकी बेइज्जती की जा सके, और इसको इसका जो आरोप है वो इसका जो अपराध है सॉरी इसके अपराध को इसको रिमाइंड कराया जा सके। इस वजह से वो जो स्कारलेट लेटर है वो इसके गले में टांगा गया है। और जब वो जेल से आ रही होती है दोस्तों, तो उस समय हेस्टर प्रिन की गोदी में एक लड़की भी होती है, एक छोटी सी बच्ची है हेस्टर प्रिन की गोदी में। और ये जो बच्ची है ये कोई और नहीं होती, ये हेस्टर की बेटी पर्ल थी। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हेस्टर की बेटी का नाम क्या था? तो हेस्टर की बेटी का नाम था पर्ल। तो ये हेस्टर की बेटी पर्ल थी, और पर्ल को जो हेस्टर ने बर्थ दिया था, यानी कि जो पर्ल का जन्म हुआ था, वो कहाँ हुआ था? जेल के अंदर हुआ था। तो जेल में ही पर्ल को जन्म दिया था हेस्टर ने। और हेस्टर स्टेज पर जाती है, और उस समय जब वो स्टेज पर जाती है तो वहां पर वो लोगों की जो बेइज्जती है उसका शिकार बनती है, मतलब लोगों के द्वारा जो उसकी बेइज्जती की जाती है उसका वो शिकार बनती है। लोग उसकी निंदा करते हैं, उसका अपमान करते हैं, वो सब कुछ बड़े आसानी से सह लेती है। लेकिन वो पर्ल के जो फादर होते हैं उनके नाम का खुलासा नहीं करती, क्योंकि वो उन पर उनकी इज्जत पर जरा सी भी आंच नहीं आने देना चाहती है। तो दोस्तों एक प्रेम भी यहां पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से कितना एक अनोखा बंधन यहां पर दिखाया गया है, और किस प्रकार से हेस्टर के प्रेम को दर्शाया गया है कि हेस्टर अपने प्रेमी के आइडेंटिटी को छुपाती है। क्यों छुपाती है? क्योंकि कहीं उसकी समाज में बेइज्जती ना हो जाए, क्योंकि वो एक अच्छे पद वाला व्यक्ति है और वो उसकी इज्जत को उछालना नहीं चाहती है और ना ही उछलवाना चाहती है। तो वो हेस्टर के फादर का नाम नहीं बताती, और कारण मैंने आपको बताई दिया दोस्तों कि क्या कारण था हेस्टर के फादर का नाम ना बताने का, कि वो नहीं चाहती थी कि उसको भी दंडित किया जाए, उसकी भी बेइज्जती की जाए। अब इसी बीच में दोस्तों कहानी में थोड़ा सा मोड़ आता है। अब मोड़ क्या आता है? जब ये जुलूस निकल रहा था, जब ये भीड़ थी, तो उसमें हेस्टर प्रिन का जो लोस्ट हस्बैंड था, लोस्ट ही कहेंगे एक तरह से, क्योंकि वो काफी समय से उससे अलग था, और या यूं कह लीजिए कि खुद ही वो अलग हो गया था, लेकिन उसका हर्जाना देखो, उसको भुगतना पड़ गया ना अलग होने का। अब वो जो उसका लॉस्ट हस्बैंड था वो भी उस जुलूस में शामिल हो जाता है। और इतना ही नहीं, इससे पहले जब वो हेस्टर जेल में थी उसके पास वो वहां पे जाता है, और वो ये भी कहता है, जो इसका हस्बैंड है वो ये भी कहता है कि मेरे बारे में किसी को वो बताए ना।
और वो ये कहता है मेरी पत्नी होने के नाते कम से कम तुम इतना तो मेरे लिए कर सकती हो कि मेरी आइडेंटिटी को लोगों तक छुपा कर रखो। और इसी बीच में वो भेष बदलने का निर्णय लेता है कि वो भेष बदलकर जो है एक काम को अंजाम देगा। अब ये किस काम को अंजाम देगा भेष बदलकर, वो अपना भेष बदलना चाहता है ताकि वो अपने पत्नी का जो प्रेमी है उसका पता लगा सके और उससे बदला ले सके। दोस्तों उसका कारण क्या था पता लगाने का, पता लगाने का कारण ये था कि वो अपने पत्नी के प्रेमी से बदला लेना चाहता था। और तो तभी जो हेस्टर है, ठीक है ना, हेस्टर है, हेस्टर इस बात को चलो मान लेती है, एक तरह से एक्सेप्ट कर लेती है कि वो उसके बारे में लोगों को नहीं बताएगी। अब हेस्टर का जो पति है, हेस्टर का पति शहर के लोगों को ये बताता है कि वो एक चिकित्सक है। क्या बताता है, वो ये बताता है कि वो एक चिकित्सक है और उसका नाम चिलिंगवर्थ है। तो दोस्तों ये उसने एक अडॉप्टेड नेम है उसका, अपना नाम रखता है वो क्या, चिलिंगवर्थ। हेस्टर का पति अपना नाम क्या रखता है, चिलिंगवर्थ रखता है, और लोगों के बीच में अपने आप को एक फिजिशियन के रूप में प्रस्तुत करता है। वो ये कहता है कि मैं एक चिकित्सक हूं। और उधर दूसरी तरफ अगर जो हम हेस्टर की बात करें, हेस्टर देखो जेल से छूट चुकी है लेकिन अभी भी वो जो है एक तरह से अपमानित की जा रही है, लेकिन अब वो अपनी बेटी पर्ल की देखभाल करना चाहती है, उसकी केयर के लिए उसको कोई काम चाहिए। तो उसने क्या किया है, जो कपड़ों की सिलाई बुनाई होती है उसका काम उसने स्टार्ट कर दिया है ताकि दो पैसे भी आते रहे और जो पर्ल की परवरिश है वो भी अच्छी तरह से होती रहे। लेकिन जेल से छूटने के बाद भी उसके जो वहां का कानून था, उसके वहां के कानून के द्वारा उसको ये आदेश दिया गया था कि उसको जीवन पर्यंत जो स्कारलेट लेटर ए है उसको धारण करे रखना है, यानी कि उसको पहने रखना है। और इसका क्यों पहने रखना है, क्या कारण था इसका, तो दोस्तों इसका कारण ये था ताकि उसको उसका अपराध जो है वो हमेशा याद दिलाया जा सके और सभी लोगों के द्वारा उसको अपमानित किया जा सके उस अपराध के लिए जो उसने किया है। तो अब इस बीच में दोस्तों क्या होता है कि जो हेस्टर की बेटी है पर्ल, वो भी धीरे धीरे बड़ी होती है। और जब वो तो बड़ी हो रही है, एक दिन जो गवर्नर बेलिंगम है, गवर्नर बेलिंगम मैंने आपको बताया तो दोस्तों ये एक रिलीजियस पर्सन है, गवर्नर बेलिंगम जो है उसने हेस्टर को अपने पास बुलाया। तो गवर्नर बेलिंगम हेस्टर को अपने पास बुलाता है और उससे एक उसे एक वार्निंग देता है। और उसे क्या वार्निंग वो देता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर बेलिंगम हेस्टर को क्या वार्निंग देता है। तो वो उससे कहता है कि वो अपनी बेटी पर्ल का साथ छोड़ दे। अब ऐसा वो क्यों कहता है, ऐसा इसलिए कहता है कि वो ये कहता है कि तुम्हें तो तुम्हारी एडल्ट्री के लिए जाना जाता है और इसी चीज से तुम्हारी बेटी की भी पहचान होगी और इससे तुम्हारी बेटी की समाज में बेइज्जती होगी और उस बेइज्जती से बचने के लिए तुम्हें अपनी बेटी का साथ छोड़ देना चाहिए। लेकिन हेस्टर को लगता है कि वो उसके जीवन में अब कुछ नहीं रहा, उसके बिना तो उसका जीवन जो है बिल्कुल बेकार है, एक अंधेरा सा उसके जीवन में छा जाएगा। और वो उससे रिक्वेस्ट करती है गवर्नर से कि वो ऐसा ना आदेश दे और वो अपनी बेटी पर्ल को अपने साथ ही हमेशा रखना चाहती है। इस बात के लिए वो उससे रिक्वेस्ट करती है लेकिन जो गवर्नर है दोस्तों वो नहीं मानता, गवर्नर उसकी बात को नहीं मान रहा है। तो उस समय वहां पर दो लोग और मौजूद होते हैं, एक तो आर्थर डिम्सडेल और दूसरा जो उसका पति है रोजर चिलिंगवर्थ, वो भी वहां पर मौजूद होता है। लेकिन रोजर चिलिंगवर्थ जो है वो उसका फेवर नहीं करता, हेस्टर का फेवर नहीं करता, वो उस घटना को देख रहा था, एक जिसको कहते हैं एक विटनेस के रूप में था वहां पर, या फिर यूं समझ लीजिए कि वो बस केवल चीजें देख रहा था कि क्या हो रही है, हो रहा है वहां पर। और उधर जो उसका प्रेमी आर्थर डिम्सडेल भी वहां पर मौजूद था जो कि एक रिलीजियस पर्सन यानी कि एक पादरी ही था। और वो गवर्नर से कहता है, क्योंकि हेस्टर डिम्सडेल से रिक्वेस्ट करती कि प्लीज आप कुछ कहिए, तो उस समय वो गवर्नर से कहता है कि उसको पर्ल को उसके साथ ही रहने दिया जाए। तो यहां पर डिम्सडेल की बात सुनकर जो गवर्नर है वो इस चीज के लिए एग्री हो जाता है और वो कह देता है ठीक है, वो उसके साथ रह सकती है। तो कहने का मतलब उसने डिम्सडेल की बात को गवर्नर ने मान लिया था। अब ये जो सब कुछ हो रहा था दोस्तों, ये सारी चीजें वहां पर जो हेस्टर का
पति है रोजर चिलिंगवर्थ, वो सारी चीजें नोटिस कर रहा था। अब उसको डाउट हो गया था कि डिम्सडेल ही उसका प्रेमी है, लेकिन अभी जो डाउट था दोस्तों वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हुआ था। उसको ये तो संदेह हो गया कि डिम्सडेल ही उसका प्रेमी है। अब इसी बीच में क्या होता है, जो हमारा नेक्स्ट सीन आता है इसमें क्या होता है दोस्तों, जो डिम्सडेल है वो बीमार हो जाता है और उसको हृदय से संबंधित एक बीमारी हो जाती है। अब लोग वहां के जो समाज के लोग हैं वो ये कहते हैं चिलिंगवर्थ एक फेमस फिजिशियन है, उससे उसको इलाज कराना चाहिए। तो वो डिम्सडेल जो है चिलिंगवर्थ को अपने चिकित्सक के रूप में नियुक्त कर लेता है। अब उसको ये एक अपॉर्चुनिटी थी रोजर चिलिंगवर्थ को, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम अब उसके घर पर बिताता है, डिम्सडेल के घर पर। क्यों? ताकि वो पता लगा सके कि क्या यही उसका वास्तविक प्रेमी है, क्या यही पर्ल का फादर है, और ताकि वो बदला भी उससे ले सके। और इसी बीच में जब वो वहां पर रहता है तो उस रहस्य को जानने की कोशिश करता है और अपनी बातों से उसको बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता है। डिम्सडेल को जो चिलिंगवर्थ है, डिम्सडेल को अपनी बातों से बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता है और उसको यह एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि उसने कोई घनघोर अपराध किया है, उसने अपने जो प्रीवियस टाइम गुजरा है उसमें उसने कोई ऐसा पाप किया है जिसकी वजह से उसको ये हर्जाना भुगतना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसको ये बीमारी है, ऐसा कोई काम उसने किया है और ऐसा कोई राज है जो उसे वो छीने अपने सीने में छुपा कर रख रहा है और इस वजह से उसको ये बीमारी लगी हुई है। अब दोस्तों इस तरह से वो उसको परेशान करता है। अब क्या होता है, एक दिन जो डिम्सडेल है, डिम्सडेल एक दिन लेटा हुआ होता है, आराम कर रहा होता है, यानी कि एक नींद की सी पोजीशन में है, वो सो रहा है और उसी बीच में यहां पर चिलिंगवर्थ जाता है और चिलिंगवर्थ क्या करता है, उसके कपड़ों को हटाता है, वहां से सीने के पास उसके कपड़ों को हटाता है और देखता है उसके सीने पर एक लेटर ए बना हुआ था। और दोस्तों ये वही स्कारलेट लेटर ए था जो कि रेड से लिखा हुआ था, ए उसमें लिखा हुआ था। और ये जो ए का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब अडल्ट्री से होता है। किससे? अडल्ट्री से। तो ये लेटर ए का साइन उस पर बना हुआ था और तो इससे उसका जो शक है वो पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाता है रियलिटी में कि ये वास्तव में डिम्सडेल ही हेस्टर का प्रेमी है। डिम्सडेल कौन है? हेस्टर का प्रेमी है और इसके साथ साथ पर्ल का वो फादर है। अब दोस्तों उसने ये एडल्ट्री का साइन ए क्यों बनाया हुआ था, ताकि वो खुद को भी सजा दे सके, इस वजह से बनाया हुआ था। लेकिन वो खुद को लोगों के सामने नहीं ला पा रहा था, पूरी तरह से नहीं आ पा रहा था लोगों के सामने, क्योंकि उसका रुतबा, उसकी पोजीशन उसको शायद रोक रही थी इस चीज को करने के लिए। और दूसरी तरफ हेस्टर भी नहीं चाहती थी कि वो लोगों के सामने आए, लेकिन उसको प्यार तो था हेस्टर से और इसी वजह से उसको खुद को भी सजा देनी थी। तो उसने अपने ऊपर, अपने सीने पर लेटर ए बनाया और इतना ही नहीं, खुद को वो शारीरिक प्रताड़नाएं भी देता था, शारीरिक रूप से भी वो अपने आप को पीड़ित करता था, प्रताड़ित करता था एक तरह से। और चिलिंगवर्थ को तो अब पता चल ही गया था कि ये जो व्यक्ति है यही पर्ल का फादर है और ये उसको अब और ज्यादा परेशान करने लगा हर तरह से। ठीक तो उसको कर ही नहीं पा रहा था ये, और अपनी बातों से, अपने तौर तरीकों से उसको बहुत ज्यादा परेशान करने लगा। और अब ये बात किसको पता चली, एक दिन इस तरह से उसको परेशान करते हुए पर्ल और हेस्टर ने देख लिया। हेस्टर और पर्ल माँ बेटी दोनों, इन्होंने देख लिया। तो उस समय हेस्टर ने इसको चेतावनी दी, उसको वार्निंग दी कि वो उसको परेशान ना करे, वो डिम्सडेल को परेशान ना करे। और तभी हेस्टर ने डिम्सडेल से मिलने का निर्णय लिया और उसने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ डिम्सडेल से। और दोस्तों जब उसने डिम्सडेल से मिलने का निश्चय किया तो उसने कहा कि हम एक जंगल में मिलेंगे। तो एक डार्क फॉरेस्ट था, वहां पर उसने डिम्सडेल के साथ मुलाकात की। और वहां पर क्या उसने बताया उस जंगल में, उस जंगल में उसने ये बताया कि जो चिलिंगवर्थ है ये कोई चिकित्सक नहीं है बल्कि एक फर्जी इंसान है और ये मेरा पति है, ये मेरा लॉस्ट हस्बैंड ही है और ये तुमसे बदला लेना चाहता है और तुमसे बदला लेने के पास ही ये तुम्हारे पास समय व्यतीत कर रहा है। तो उसी बीच में वो डिम्सडेल को कन्विंस करती है कि हम जो है बोस्टन को यहां से छोड़ देंगे, ठीक है, और कहां चले जाएंगे, यूरोप को निकल जाएंगे।
उसकी बातों को सुनकर, उसके प्लान को सुनकर जो डिम्सडेल है वो भी एग्री हो जाता है, वो भी एग्री हो जाता है। और नेक्स्ट डे दोस्तों इलेक्शन डे था। इलेक्शन डे पर जो डिम्सडेल है एक बहुत मोस्ट इंस्पायरिंग अपनी स्पीच लोगों के सामने रखता है, अपने बहुत अच्छे उपदेश लोगों के सामने रखता है। और इसी बीच में जब प्रोसेशन ये समाप्त हो जाता है तो जो डिम्सडेल है वो इसके फोल्ड पर चढ़ जाता है। इसके फोल्ड यानी कि वही स्टेज जहां पर उसको सजा मिली थी हेस्टर को, तो उसी इसके फोल्ड पर वो चढ़ जाता है और ये कन्फेस करता है कि मैं ही जो उसका पर्ल का फादर मैं ही हूं। तो दोस्तों ये चीज उसने कन्फेस कर ली और इवन वो हेस्टर की बाहों में अपनी जो सांसें हैं उनका त्याग कर देता है और हेस्टर की बाहों में वो मर जाता है। और जो वहां के जो लोग थे, काफी लोग जो विटनेस हुए, उन्होंने देखा कि उसके भी सीने पर ए अंकित था, जो कि किसका निशान था? एडल्ट्री का। अभी जो एडल्ट्री का निशान है दोस्तों, ये दो तरह से कन्वर्ट हो चुका है। एक तो एडल्ट्री का सिंबल है ही है और दूसरा एक स्ट्रॉन्ग लव का भी सिंबल ये बन चुका है। लेकिन एग्जाम में आता है एडल्ट्री को आप प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद स्ट्रॉन्ग लव का भी सिंबल बन चुका है, क्योंकि ये दोनों के प्रेम को दर्शाता था कि किस प्रकार से डिम्सडेल ने भी अपने प्रेम को निभाया। और उधर जो चिलिंगवर्थ है, चिलिंगवर्थ का जो रिवेंज है दोस्तों वो अपने आप ही समाप्त हो जाता है और डिम्सडेल की मृत्यु के कुछ समय पश्चात चिलिंगवर्थ की भी डेथ हो जाती है और वो जो अपनी जो इनहेरिटेंस है, अपनी जो प्रॉपर्टी है, अपनी जो वसीयत है वो पर्ल को दे जाता है। और उसके कई सालों बाद जो हेस्टर अपने कॉटेज को लौट जाती है, यानी कि अपने घर अपने कॉटेज को लौट जाती है वो। और अभी भी उसने वो जो स्कारलेट लेटर है वो पहना हुआ है, स्कारलेट लेटर को पहना हुआ है। और दोस्तों जब उसकी मृत्यु होती है, जब हेस्टर की मृत्यु होती है तो उसको भी जो डिम्सडेल की कब्र है उसके पास ही दफनाया जाता है और दोनों जो है वो अपनी जो कब्र है मतलब उनको शेयर करते हैं एक तरह से। और जो उनकी जो कब्र थी उसके पास वहीं पर एक लेटर बनाया जाता है और वो लेटर किस चीज का होता है, यानी कि मृत्यु के बाद भी वो लेटर पीछा नहीं छोड़ेगा। और यहां पर भी एक रेड लेटर का ए बनाया जाता है जो बैकग्राउंड में होता है, ए रिटेन ऑन अ ब्लैक बैकग्राउंड। ब्लैक बैकग्राउंड पे क्या लिखा जाता है? ए लिखा जाता है, जो कि रेड लेटर बना हुआ होता है दोस्तों, और यही है द स्कारलेट लेटर ए। और दोस्तों इसी के साथ ये स्टोरी भी खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको स्टोरी अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इसके साथ साथ अगर आप हमारी पेड क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो कि TGT PGT की हैं और इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, लाइव क्लासेस भी हैं, इनमें से किसी में भी आप जो है एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं UP TGT PGT या फिर LT ग्रेड इंग्लिश के, तो दोस्तों आप मुझे मेरे दिए गए नंबर 9756055255 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।